तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A30s के नए अपडेट के बारे में। नए अपडेट के साथ उसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए, क्या क्या एड ऑन किया गया है, क्या सिक्योरिटी में अपडेट की गई है, एक एक चीज आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे 20 के कम्प्लीट होने वाले हैं तो थोड़े से ही कम है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों ये जो नया अपडेट आया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अपडेट है 223 MB का ये अपडेट आया है। ये जो कि रिसेंटली आज ही के दिन, या बोल सकते हैं एक दिन पहले, इसको रिलीज किया गया है। इस अपडेट में इन्होंने कुछ खास फीचर्स को एड ऑन नहीं किया गया, सिंपली यहाँ पर लिखा है कुछ बग्स को फिक्स आउट किया गया है, कुछ नए इनहांस फीचर करे गए हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया गया है। साथ ही में ना कोई यहाँ पर सिक्योरिटी भी अपडेट दी गई है, क्योंकि पहले से ही मई की सिक्योरिटी अपडेटेड थी, अभी भी मई की सिक्योरिटी अपडेट दी गई है। ओवरऑल इस अपडेट में जो भी कुछ बग्स थे उसको फिक्स आउट कर दिया गया है और उसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं किया गया है। यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे 223 का अपडेट आया था और अपडेट के बाद मुझे यहां पर कुछ भी चेंज नहीं लग रहे हैं, वही का वही अपडेट है। मैंने अपडेट कर लिया है, आप देख रहे होंगे लास्ट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है मेरा, जब मैंने 2 अक्टूबर को आज ही के 7 बजे के समथिंग इसको मैंने अपडेट कर लिया था, जिसमें कुछ नए चेंजेस नहीं दिए गए। अगर आप यहां पर क्लिक करके देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पहले वाला जो अपडेट आया था मई में आया था, जिसमें भी मई में सिक्योरिटी थी, और अभी भी जो अपडेट आया है उसमें भी मई की सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में कुछ और चेंजेस नहीं किए गए। आगे कर लेता हूं उसको अपडेट तो मैं कर लिया, आगे आपको बताता हूं कि इस अपडेट में मुझे क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस किए गए या फिर क्या एड ऑन किया गया। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है पूरी तरह से अपडेट होने के बाद ये होने वाला है ऑन। ऑन होने के बाद अभी इंस्टॉलिंग ऐप हो रही है, जब भी कुछ भी नया अपडेट आता है तो कुछ भी ऐप्स इंस्टॉल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये सैमसंग में होता ही है, जब भी कोई नया अपडेट आता है कुछ ना कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में जानबूझ के ऐड ऑन हो ही जाती हैं, आप उनको बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो रही है तो उसको भी होने देते हैं। ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि योर फोन हैज बीन अपडेटेड, मतलब अब फोन पूरी तरह से अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या क्या नए यहाँ पर चेंजेस किए गए। तो फाइनली दोस्तों अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो अभी भी 1UI 3.1 ही है, एंड्रॉइड 11 का ही अपडेट है, और वहाँ पर गूगल जो प्ले सिस्टम है वहाँ पर आपको 1 जुलाई दिख रहा है। और सिक्योरिटी अपडेट जैसा कि मैंने बताया था कि 1 मई का ही है, तो सिक्योरिटी अपडेट में वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं गए। ओवरऑल जो भी कुछ बक्सेस होंगे या फिर स्लो या हैंगिंग हो रहा होगा तो वो सबको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया और यहाँ पर कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया। यही चीज यहाँ पर की गई है, अगर आप इसको ऑन यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो उसका एक्सपीरियंस है या फिर बोल सकते हैं जो भी कुछ कमी थी उसको फिक्स आउट कर दिया गया, लाइक हैंगिंग होना, लैगिंग होना या फिर हीटिंग होना, तो ये सब चीजों को यहाँ पर फिक्स आउट किया गया इस अपडेट के बाद। और इस अपडेट के बाद आपको एक गिफ्ट, एक क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल में, जो कि जोश आपको दिख रहा होगा बिना फालतू, ये हर बार कभी ना कभी अपडेट हो जाती है, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना, अगर यूज करना चाहें तो यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा ऊपर की तरफ, ये ऐसा आपको दिख रहा होगा कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट करके, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे ऐसा ऑप्शन पूछेगा और बहुत सारी एप्स इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सबको अनटिक कर देना है, जितने भी चीजें हैं ना ये सबको आपको अनटिक करना है, जितने भी टिक दिख रहे होंगे इन सबको आपको अनटिक कर लेना है, नहीं तो ये ऐप फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएंगे। इन सबको अनटिक करके फिनिश पे क्लिक कर देना है तो वो वहां से हट जाएगा, नहीं तो सारी की सारी ऐप फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ओवरऑल इसमें यही कुछ दिया गया था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बताऊं, या फिर आपको लगता है कि इस अपडेट्स में कुछ नए और फीचर एड ऑन किए गए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे 20K कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर सकूं, और हो सके तो अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों।